सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं अली सबजई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह अपने ही फेस के इमोजीज या स्टिकर वगैरह बना सकते हैं और उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। तो इस एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, इसमें आपको मज़े के स्टिकर्स मिल जाएंगे। हर किस्म के स्टिकर्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो सिंपल एक टैप से अपना जो है इसमें वो अपना फेस जो है किसी भी स्टिकर्स के साथ लगा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बार ही करना होता है और सारी इमोजेस के लिए ऑटोमेटिक आपका फेस जो है वो उसके ऊपर बन जाता है। तो बहुत मज़े की एप्लीकेशन है। इसको मैं फुल प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह आप इसको जो है वो अपने फेस जो है इस इमोजीज़ में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आता होगा, उस पर क्लिक करें और साथ में घंटी के आइकन को भी दबाएं। और इस वीडियो के लिए लाइक टारगेट हम 70 लाइक्स रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को 70 लाइक्स कर देंगे। तो अपना फेस जो है स्टिकर्स में बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसका नाम है ज़ेमोजी। और उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कैमरे का आइकन जो है वो आपको नज़र आता होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ से गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ्रेंड्स कैमरे के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कोई भी अपना जो है वो पिक्चर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं अपना जो है एक पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है सही तरह से। तो अभी मैं इसको रेंडमली इस तरह ही कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको कर दें। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ से हेयर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है इस तरह से। और ये लो फ्रेंड्स, आपकी इमोजी जो है वो तैयार। तो अब यहाँ पे वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि आपने आप इसमें सेटिंग किस तरह करनी है कि फेसबुक और या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर आप इसको जो है वो शेयर किस तरह कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर साइड में, आप देख सकते हैं ये सेटिंग का। तो सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग, इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखे इस पे आपने सॉरी जो है ना वो अलाउ कर देना है अपनी कीबोर्ड को। तो मैंने ऑलरेडी से इसको जो है ना वो अलाउड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी।